Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme 11 Pro Plus 5G को कंपेयर करने वाला हूँ Moto Edge 40 5G के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या क्या डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज़ हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं Realme 11 Pro Plus 5G से। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड OLED विजन डिस्प्ले मिलता है एंड Moto Edge 40 में 6.55 इंच का फुल HD प्लस P OLED डिस्प्ले मिलता है। Realme 11 Pro Plus 5G में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड Moto Edge 40 में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोनों ही में आपको 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग दिया गया है। Realme 11 Pro Plus 5G में 12GB वर्चुअल रैम एंड Moto Edge 40 में आपको जो है ये चीज़ नहीं दिया गया है। जो चिपसेट है वो आपको Realme 11 Pro Plus 5G में MediaTek का Dimensity 7050 चिपसेट मिलता है एंड Moto Edge 40 में आपको MediaTek का Dimensity 8020 मिलता है। जो कैमरा है वो आपको Realme 11 Pro Plus 5G में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड Moto Edge 40 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। दोनों ही में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरे का ऑप्शन दिया गया है। Realme 11 Pro Plus 5G में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है एंड Moto Edge 40 में 4400 mAh का बैटरी दिया गया है। जो चार्जर है वो आपको Realme 11 Pro Plus 5G में 100 वॉट का सुपर वूक चार्ज मिलता है एंड Moto Edge 40 में आपको 68 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोनों ही में आपको USB टाइप सी का पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, 5G प्लस 5G का सिम सपोर्ट और यहाँ पे आपको Realme 11 Pro Plus 5G में Realme UI 4.0 का सपोर्ट मिलता है एंड जो Moto Edge 40 है इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। दोनों ही में आपको एंड्रॉयड 13 का ऑप्शन दिया गया है एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही फोन्स में अवेलेबल हैं। Realme 11 Pro Plus 5G में प्रीमियम वीगन लेदर डिज़ाइन देखने को मिलेगा बैक साइड की ओर और वही डिज़ाइन आपको वीगन लेदर डिज़ाइन फिनिश जो है आपको Moto Edge 40 में भी देखने को मिलेगा। दोनों ही में आपको बिल्कुल सेम जो कलर मिलते हैं, 3 कलर ऑप्शंस दोनों ही में अवेलेबल हैं एंड जो प्राइस है वो Realme 11 Pro Plus 5G का प्राइस है 27,999 एंड Moto Edge 40 का प्राइस है 29,999 रुपीज़। सो गाइज, इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे डिफरेंसेज आप देख सकते हैं, लेकिन जो की डिफरेंसेज है जिसको मैं पॉइंट आउट कर आपको बताता हूं, तो यहां पे Realme 11 Pro Plus 5G जो है इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस P OLED डिस्प्ले मिलता है, कर्व डिस्प्ले मिलता है और वहीं आपको एक फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा Moto Edge 40 में। इसमें आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस P OLED डिस्प्ले मिलेगा लेकिन इसमें फ्लैट मिलेगा, लेकिन यहां पे Realme में कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दूसरा डिफरेंस रिफ्रेश रेट में है। Realme में आपको जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है लेकिन Moto Edge 40 में 144 हर्ट्ज का। तीसरा डिफरेंस है इसके प्रोसेसर में। Realme 11 Pro Plus 5G में MediaTek का Dimensity 7050 मिलता है 5G चिपसेट और वहीं आपको जो Moto Edge 40 है इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8020 मिलता है। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। Realme 11 Pro Plus 5G में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है लेकिन जो Moto Edge 40 है उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वाइड कैमरा और उसके साथ 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। तो ये कैमरे में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। पांचवा डिफरेंस है इसके चार्जर में। Realme 11 Pro Plus 5G में आपको 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है लेकिन Moto Edge 40 में आपको 68 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड जो लास्ट डिफरेंस है वो है प्राइस में। Realme 11 Pro Plus 5G का प्राइस है 27,999 एंड जो Moto Edge 40 है उसका प्राइस है 29,999। तो मेरा मानना यह है कि इन दोनों फोन्स में से कोई एक फ़ोन अगर आपको परचेस करना है तो आपको परचेस करना चाहिए Realme 11 Pro Plus 5G, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले सिमिलर मिलता है लेकिन कर्व्ड वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो काफ़ी प्रीमियम स्लीक डिज़ाइन मिलेगा। और दूसरा डिफरेंस इसके कैमरे में, जो कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल का है जो Moto Edge 40 में 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। तीसरा डिफरेंस फास्ट चार्जिंग में है, 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और इसका प्रोसेसर भी काफ़ी बेहतरीन है और प्राइस जो है वो भी कम है। सो गाइस, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेस करना है तो आपको पिक करना चाहिए Realme 11 Pro Plus 5G। बाकी अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।